चलिए हम कक्षा 10वीं हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। शीर्ष भाग दो उत्साह के प्रश्न उत्तरों को आज हम पढ़ेंगे। उत्साह के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्नों के उत्तर है, पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं। कभी बादल से फुहार और रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि ने बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं। क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं जो समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं उग्रता की आवश्यकता होती है और बादल की उग्रता उसके गर्जन में छुपी होती है जिससे लोग सजग हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं बादलों से कि फुहार या रिमझिम या धीरे धीरे बरसने के स्थान पर जोर जोर से गरजे क्योंकि गरजने को बादलों को क्रांति दूत के रूप में कवि ने माना है और समाज में क्रांति बदलाव जो है क्रांति के माध्यम से ही आती है, उग्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए कवि ने उनको गरजने के लिए कहा है। अब हम प्रश्न देखेंगे कि इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। इसका उत्तर है कि कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा है क्योंकि बादलों के माध्यम से कवि क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं और यह बदलाव गर्जनों के लिए कहते हैं, वह बदलाव लाने के लिए बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक तरफ तो बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है कि बादल जब गरजते हैं तो इन गर्जनों में उत्साह भी छिपा हुआ है जो क्या करता है, जो लोगों में दूसरे लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति लाता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। फिर आगे का प्रश्न कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्तर है कि उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित तीन अर्थों की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित तीन अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला क्रांति दूत, क्रांति के दूत और समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों को में उत्साह भरने वाले के रूप में। क्या है पहला कि क्रांति के दूत और समाज में बदलाव लाने हेतु लोगों में उत्साह भरने वाले के रूप में बादलों की ओर कवि ने संकेत किया है। फिर है दूसरा लोगों के कष्ट और ताप हरकर शीतलता देने वाले के रूप में कि आप बरसों और लोगों की जो पीड़ा है कष्ट है गर्मी से परेशान है लोग व्याकुल हैं तो उनको उस गर्मी से उस उष्णता से को समाप्त करके शीतलता देने वाले के रूप में बादलों को की ओर संकेत किया है। फिर है तीसरा जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में भी बादलों की ओर कवि ने संकेत किया है। अब है प्रश्न कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो
नाद सौंदर्य कहलाता है, मतलब ध्वनि एक तरह की। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है कि कविता के इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। पहला, घेर घेर भोर गगन धरा धर ओ, इनमें नाद सौंदर्य है इन पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति है कि घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ, फिर दूसरी लाइन है ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। दूसरी लाइन है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। फिर है तीसरी लाइन के विद्युत छवि उर में बिजली के समान जिसकी छवि, विद्युत छवि उर में। फिर है विकल विकल उन मन थे उन मन, विकल विकल उन मन थे उन मन। ये इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य है। अब है आगे प्रश्न कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है भाव सौंदर्य। तो निराला के काव्य का प्रकृति चित्रण अनूठा है। निराला जी के काव्य का प्रकृति चित्रण अनूठा है। उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित हुआ है। फिर है शिल्प सौंदर्य। तो निराला जी का काव्य शिल्प की दृष्टि से बहुत ही उच्चतम या उच्च कोटि का है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। उनकी भाषा में गेयता है। उन्होंने सामान्यतया संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया और फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज नहीं किया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग तो किया है, साथ ही साथ अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है और अन्य भाषा के शब्दों से कोई परहेज नहीं किया। निराला जी के काव्य में मानवीकरण अलंकार बहुलता से मिलता है। जैसे कहीं सांस लेते हो घर भर देखते हो, उदाहरण जैसे कहीं सांस लेते हो तो घर भर देते हो। इसी तरह है प्रश्न की उत्साह कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है कि उत्साह कविता में निराला जी की छवि स्वाभिमानी है। उनमें उत्साह है, पौरुष है और गर्जना है। क्या क्या है? उत्साह कविता में उत्साह है, पौरुष है और गर्जना है। उनकी वाणी में जन सामान्य में नवीनता का संचार करने वाली ओजस्विता है और उनकी हृदय में जन सामान्य के प्रति संवेदना भी है, सहानुभूति है। इसलिए बादलों से गरजने बरसने की कामना करते हैं, जिससे गर्मी के कारण उनकी विकलता उदासीनता दूर हो जाए। और यही कारण है कि उत्साह कविता के आधार पर कवि निराला जी ने बहुत ही ज्यादा उत्साह और पौरुष और गर्जना उनके कविता में देखने को मिलती है, जिसके कारण जन सामान्य जन समूह में क्या हो जाता है, एक नया जोश भर जाता है, नई शक्ति पैदा हो जाती है। और जो इस
उत्साह को भरने वाली ओजस्विता है।